ये डबल इंजन की सरकार बुलेट की स्पीड से विकास भी कराती है और देशद्रोही तत्वों को राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम करती है। बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। देखिए, देश का इतिहास है, अयोध्या में 500 वर्षों तक अपमान इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे, काशी में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे, मथुरा में इसलिए झेलना पड़ा क्योंकि बटे थे। हमें देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसीलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि हम बटे थे। ये जाति के नाम पर बांटने वाले जितने भी नेता हैं, ये सभी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमें बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये घर घर पहुंचाइए, ये देश हमारे पूर्वजों का है, आपके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। ये देश किसी पार्टी की बपोती नहीं है, इस देश के लिए आपके पूर्वजों ने अपना लहू बहाया है और इसलिए भारत की एकता और अखंडता को किसी को हमें चोट नहीं पहुंचाने देनी है। इसी के लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। ये चुनाव हमारे लिए भारत की अस्मिता और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है, क्योंकि अगर ये महाआघाड़ी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में आता है तो बहनों और भाइयों, ये महाआघाड़ी गठबंधन का मतलब ये महाआघाड़ी नहीं, महाअनाड़ी है। ये राष्ट्र के साथ धोखा देगा, वोट बैंक के लिए लब जिहाद को बढ़ावा देगा, लैंड जिहाद को बढ़ावा देगा, अराजकता को बढ़ावा देगा, गणपति की शोभा यात्रा पर पथराव करवाएगा, रामनवमी के जुलूसों पर हमला करवाएगा। यह नहीं चल सकता है, स्वतंत्र भारत इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने तो हमको एक ही बात कही, सबका साथ और सबका विकास का, विकास सबका, सुरक्षा भी सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण से देश नहीं चलेगा। यह देश जब संतुष्टीकरण पर कार्य कर रहा है सबका साथ और सबके विकास के साथ, तो फिर कैसे तुष्टीकरण? भारत का कानून सब पे लागू हो, अगर कोई भारत के अंदर रह करके पाकिस्तान का झंडा लहराने का काम करेगा तो उसको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, हिंदुस्तान से उसको बाहर ही कर देना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर रह करके भारत को गाली दोगे, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करोगे, भारत के देवीय महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करोगे, तो यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं, किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। आप चाहेंगे तो इनको भी, जो भारत की एकता अखंडता को चुनौती देते हैं, भारत के महापुरुषों का अपमान करते हैं, भारत माता के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इनको भी उसी यात्रा पर भेजने की तैयारी करेंगे जिसके हकदार होंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि महायुति गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार महाराष्ट्र के अंदर बनने की आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार में ताकत होती है, सुरक्षा भी है तो विकास भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उसका लाभ है, अयोध्या की समस्या का भी समाधान हो गया
और वहां पे जितने दुर्दांत माफिया थे इस सब को भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। आज उनके लिए धरती माता के अंदर कोई जगह नहीं है, उनके लिए जहां जगह होनी चाहिए थी वहां चले गए। वहां पर बेटी और बहन दोनों सुरक्षित है, वहां लव जिहाद भी नहीं है, लैंड जहाद जिहाद भी नहीं है। वहां पर 25 करोड़ की आबादी यूपी की, कोई दंगा नहीं, नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप में से अंकोला से कितने लोग अयोध्या गए रामलला के विराजमान होने के बाद? अभी कम लोग गए। और मैं यहां पर श्री संजय भाव धोत्रे से, श्री रणधीर भाव सावरकर से, श्री विजय भाव अग्रवाल जी से, श्री बसंत खंडेलवाल जी से और बलिराम जी सिरसकार जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद ट्रेन बुक करवाइए और यहां की जनता जनार्दन को लेकर अयोध्या और प्रयागराज आइए। प्रयागराज में 2025 में भव्य और दिव्य कुंभ भी होने जा रहा है, महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, भव्य और दिव्य कुंभ। संजय धोत्रे जी 19 के कुंभ में गए थे, स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का जो मानक प्रयागराज कुंभ ने गढ़ा था, यूनेस्को ने भी माना था कि मानवता का मूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। और बहनों और भाइयों, प्रयागराज कुंभ में इस बार 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, 26 फरवरी तक आयोजन होगा। 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, पूरी तैयारियां चल रही हैं। और मैं आमंत्रित करता हूं महाराष्ट्र को, अकोला के आप सभी बहनों और भाइयों को, सनातन धर्म के सबसे बड़े समागम में आप भी भागीदार बनिए। प्रयागराज में गंगा यमुना मां सरस्वती के संगम पर स्नान करिए, पुण्य के भागीदार भी बनिए। और 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामलला अपने स्वयं की जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हुए हैं, नई अयोध्या का भी दर्शन करिए। और इसीलिए आप सबसे मेरी अपील है, खास तौर पर अकोला पश्चिम में, अकोला पश्चिम में